So hey, what's up everybody, welcome back to my channel, and let's just now do the practical version of linear regression. Simple linear regression ka practical version karte hai. But before starting with the video, agar aap log ne mera previous video jo tha, jo ki theory part tha linear regression ka, agar wo video nahi dekha hai, to please jo eye icon hai uske upar click karo, waha pe wo video maujood hai, wo eye icon aapko directly mere video pe leke jayega, ya fir agar लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही, तो उस पर भी क्लिक करके जा सकते हो, वीडियो देख सकते हो. अगर आप लोग को थियरी पार्ट नहीं पता होगा लीनियर रिग्रेशन बिहाइंड द सीन्स कैसे वर्क करता है, जो एसक्यूएलएन लाइब्रेरी है वो कैसे वर्क करती है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट. एंड वन मोर थिंग बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. सब्सक्राइब रेशियो देखो यार, ये क्या है. ओके, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट माई चैनल. ओके, एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट. ओके, सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग के डेटा सेट पर एक नज़र मार लेते हैं और एक बार. यही सेम डेटा सेट है जो मैंने थियरी लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, ठीक है. तो प्लीज़ अगर नहीं देखा होगा तो देख लेना, ठीक है. तो यहाँ पे है हम लोग का ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है सैलरी की, पर्सन को सैलरी कितनी होगी, ठीक है. अगर सपोज 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी होगी इतनी, 37,000. तो हम लोग को एक ऐसा मॉडल बनाना है जो कि हम लोग को प्रेडिक्ट करके बताए बाद में, कि अगर समझो हम लोग के कंपनी में कोई भी बंदा आया, उसका हम लोग उसको एक्सपीरियंस पूछेंगे, लाइक सपोज उसने बताया मेरा 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो हम लोग वो मॉडल में वो वैल्यू डालेंगे और फिर वो मॉडल हम लोग को प्रेडिक्ट करके बताएगा कि इसको कितनी सैलरी देनी चाहिए, ठीक है. तो जितना इफिशियंट मॉडल बना सकते हैं उतना हम लोग बनाने का ट्राई करेंगे, जिसके वजह से वो जो पर्सन है उसको कम भी सैलरी ना मिले और ज़्यादा भी ना मिले, ठीक है. कंपनी का नुकसान भी ना हो और बंदे का भी नुकसान ना हो, एकदम वैलिड सैलरी मिले, ठीक है. तो जैसे कि आपको अभी ये तो समझ में आ गया रहेगा, अभी इसमें हम लोग को दो चीज़ें समझनी है. सबसे पहले कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इनडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है. अभी आपका ये जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहता है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है. तो ये इनडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ. तो इनडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से, ठीक है. और नेक्स्ट चीज़, अभी ये हुई सैलरी. अभी ये जो सैलरी है ये डिपेंड है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे. ये बात तो सही है कि जितना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उतनी आपकी सैलरी बढ़ते जाएगी, ठीक है. तो ये जो है सैलरी जो है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल वाई, ठीक है. तो अभी हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने इसके लिए गूगल कोलैब यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर गूगल कोलैब नहीं होगा तो जुपिटर लैब भी यूज़ कर सकते हो या फिर जुपिटर नोटबुक, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ से मैंने ये फाइल्स में गया मैंने, और यहाँ से मैंने मेरा ये जो सैलरी डेटा था ये मैंने इम्पोर्ट कर ली. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इम्पोर्ट की हुई है, तो आप भी इम्पोर्ट कर लेना, ठीक है. तो अभी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले एक लाइब्रेरी इम्पोर्ट करनी है हम लोग को, दो लाइब्रेरीज, इम्पोर्ट नंपाई एज एन पी, ओके, इम्पोर्ट नंपाई एज एन पी एंड इम्पोर्ट पैंडाज एज पी डी, ठीक है. ये दोनों लाइब्रेरीज हम लोग को इम्पोर्ट करनी है. इसको रन कर देते हैं, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है. अभी हो गया. अभी सबसे पहले ये जो फाइल है इसको इंपोर्ट कर लेते हैं डेटा सेट के अंदर, मतलब मॉडल के अंदर इसको लोड कर लेते हैं ये फाइल को. तो कैसे लोड करूँगा मैं, ओके, सो इसको नेम देंगे हम लोग के डेटा सेट को डेटा सेट, ठीक है. सो read_pd.read_csv फाइल, क्योंकि हम लोग की csv फाइल है. फाइल का नाम था salary_data.csv. ये डी में कैपिटल लेगा, एक बार देख लेता हूँ डेटा का. यस, डी इज़ कैपिटल, सो डी गिव द कैपिटल डी. ये पी डी जो है ये मैंने पैंडास लाइब्रेरी का यूज़ किया है. ओके, नाउ लेट्स जस्ट रन दिस, सी इफ इट्स देर इज़ एनी एरर. नो, देर इज़ नो एरर. सो लेट्स एक बार देख लेते हैं कि हम लोग का ये डेटा सेट कैसा है, प्रॉपरली इम्पोर्ट हुआ है कि नहीं डेटा सेट. एंड लेट्स जस्ट रन दिस सेल, एंड यहाँ पे हम लोग का ये पूरा डेटा सेट प्रॉपरली रन हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. अभी डेटा सेट को हम लोग को करना है डिवाइड, ठीक है. तो अभी डिवाइड किस में करना है, एक कैपिटल एक्स में और दूसरा है कैपिटल स्मॉल वाई, ठीक है. कैपिटल एक्स का था हम लोग का ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो हम लोग को सिर्फ ये वाला ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का कॉलम लेना है एक्स में. तो ये कैसा लेंगे हम लोग, तो ये किसके अंदर है, डेटा सेट में, ठीक है. तो डेटा सेट डॉट आई लॉक, ओके, आई लॉक. अभी हम लोग को रोज कितने चाहिए, तो ये सब रो चाहिए ना, 1.1, 1.3, 1.5, तो ये डालूंगा मैं कॉलन. अभी कॉलम कौन सा चाहिए, ठीक है. तो अभी ये कौन सा कॉलम है, तो पाइथन में कॉलम जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है. तो ये सबसे पहला वाला मतलब जीरोथ कॉलम है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा जीरो, ठीक है, जीरो डॉट वैल्यूज. नेक्स्ट डेटा सेट डॉट आई लॉक, अभी तो आप लोग को समझ में आया रहेगा, ऑल द रोज एंड फर्स्ट कॉलम डॉट वैल्यूज, ठीक है.
और इसके बाद में इन लोग को प्रिंट भी कर लेते हैं, लेट्स जस्ट टू चेक वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, कि मतलब इम्पोर्ट हुआ है कि नहीं, ठीक है। और इसको उड़ा देते हैं यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोग को। एंड नाउ लेट्स रन दिस एंड वी गेट सम एरर, नेम डेट ओके समवेयर इज देयर, यहाँ पे मैंने ए नहीं दिखा है, लेट्स जस्ट प्रिंट कीप द ए एंड या। सो नाउ लुक हियर, ये डेटा सेट हम लोग का आ गया है और ये भी डेटा सेट आ गया। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आपको इसके ऊपर मॉडल रन करना है, ट्रेन करना है सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, तो ये जो हम लोग के एक्स एंड वाई है ये दोनों 1D एरेज है, मतलब वन डायमेंशनल, सिर्फ सिंगल डायमेंशनल एरे है, तो हम लोग को इसको सबसे पहले 2D एरेज में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक्स डॉट रीशेप, रीशेप ये जो फंक्शन है इसका हम लोग का यूज़ करना है और -1,1 डालना है, आपका जो एरे है ये 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इसको स्टोर किस में करेंगे, ऑब्वियसली एक्स के अंदर ही, क्योंकि हम लोग को नेम तो चेंज करना नहीं है। फिर जाते हैं वाई में, वाई इज इक्वल्स टू वाई डॉट रीशेप, सेम चीज़ करनी है, -1,2,1, सॉरी नॉट दिस स्क्वेयर ब्रैकेट्स। नाउ लेट्स जस्ट रन दिस, और अभी देख रहे हो ये 2D हो गया, देखो ये फर्स्ट डायमेंशंस और ये सेकंड डायमेंशन, तो हम लोग का ये एक्स भी 2D हो गया और वाई भी 2D हो गया। तो अभी हम लोग का ये जो डेटा है वो ट्रेन होने के लिए रेडी है, बट अभी भी कुछ चीज़ें करनी बची है। अभी सबसे पहले हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया, उसको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में भी कन्वर्ट कर लिया, अभी क्या हम लोग की थर्ड स्टेप क्या होगी, तो थर्ड स्टेप में हम लोग को क्या करना है कि ये डेटा सेट को हम लोग को स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट मतलब क्या, अभी ये जो एक्स एंड वाई है और ये हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग को ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, फ्रॉम sklearn.model_selection, sklearn स्टैंड फॉर scikit-learn, ठीक है। इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये देखो गूगल कोलैब ने आपको ऑलरेडी नाम दे दिया, ठीक है। तो ये मॉडल आप लोग को इम्पोर्ट करना है, ये जो लाइब्रेरी है इम्पोर्ट करनी है। तो इसका यूज़ क्या है मैं बताता हूँ, तो x_train, y_train, and y_test, ठीक है। तो अभी हम लोग का ये जो डेटा है x और y, ये एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक ट्रेनिंग डेटा और एक टेस्टिंग के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग कैसे मतलब अभी सपोज आप कोई भी फ्रूट खरीदने जा रहे हो, तो वो लोग आपको एक देते हैं छोटा सा सैंपल कि भाई ये टेस्ट कर लो और अगर पसंद आए तो बाकी के फ्रूट्स ले लेना, तो वैसे ही लेकिन ये थोड़ी अलग चीज़ है कि इसमें हम लोग को ये जो ट्रेनिंग डेटा है इसके ऊपर मॉडल को ट्रेन करना है, और टेस्टिंग डेटा हम लोग को टेस्ट करने के लिए यूज़ करना है कि मॉडल प्रॉपरली ट्रेन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी ये वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पे देखो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में को पे फिर से लिखना है फंक्शन का नेम, यहाँ पे दो एरेज डालने हैं जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्स एंड वाई, और फिर अभी मेरे को टेस्ट साइज डिफाइन करनी है कि मैं टेस्ट साइज में कितना डेटा मुझे रखना है। तो मैं 30% डेटा सिर्फ टेस्टिंग के लिए रखूँगा, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ट्रेनिंग के लिए डेटा देना होता है, ठीक है। बट टेस्टिंग के लिए भी थोड़ा रखना होता है, ऐसा नहीं कि पूरा 90% या 99% दे दोगे, ऐसे नहीं करना है। तो मैंने 30% टेस्टिंग के लिए रखा है और बाकी 70% ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और एक पैरामीटर है इसमें रैंडम स्टेट, अगर रैंडम स्टेट इज इक्वल्स टू 0 दे रहे हो तो अगर आपने भी 0 दिया तो आपको एक्जैक्टली मेरे जैसे रिजल्ट मिलेंगे, और अगर आप 0 नहीं दे रहे हो तो आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। मतलब जो ट्रेनिंग के लिए जो डेटा सिलेक्ट होने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, ओके, बाकी कुछ चेंज नहीं आएगा। लेट्स जस्ट टेस्ट, मैं दोनों को टेस्ट प्रिंट करके चेक कर रहा हूँ कि कोई एरर ना आया हो, ओके, एंड यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। देखो आप देख सकते हो सबसे पहले ये जो है ये हम लोग का है डेटा, तो ये जो हम लोग का डेटा ये है एक्स ट्रेन, और नीचे ये जो है ये है वाई ट्रेन। तो अब देख सकते हो डेटा थोड़ा कम हो गया, क्योंकि 30% डेटा अभी हम लोग का इसमें है टेस्टिंग के लिए, और बाकी का ये जो है मैंने ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया है, ठीक है। अभी ट्रेनिंग और टेस्टिंग हो गया, अभी चलो मॉडल ट्रेन करते हैं। तो मॉडल ट्रेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रॉम sklearn, अगेन sklearn लाइब्रेरी, लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, इम्पोर्ट क्या करना है हम लोग को, सो इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन, ओके, ये इम्पोर्ट हो गया। तो रिग्रेसर SSOR regressor is equals to linear regression, okay, yeah, ये हो गया। अभी हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, regressor को फिट करना है। अभी कौन से डेटा पे फिट करेंगे हम लोग, ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला ट्रेनिंग डेटा पे, क्योंकि अभी हम लोग फिटिंग मतलब मॉडल को ट्रेनिंग करना, ठीक है। सो x_train
y underscore train, दोनों भी ट्रेनिंग वाले डेटा लिए मैंने। अभी क्या होगा कि ये जो हम लोग का ये जो रिग्रेसर है, यानी कि ये जो लीनियर रिग्रेशन है, ये डेटा के ऊपर ट्रेन हो जाएगा, मतलब ये सीखेगा कि कैसे वैल्यूज प्रेडिक्ट करना है। ओके, तो इसको रन कर लेते जस्ट टू चेक वेदर देर इज़ एनी एरर, एंड नो देर इज़ नो एरर। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग का मॉडल इसके ऊपर फिटिंग हो चुका है, अभी बारी है टेस्टिंग करने की मॉडल को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट मेथड यूज़ करेंगे ताकि अभी हम लोग का मॉडल प्रेडिक्ट कर पाए। अभी प्रेडिक्ट किस में से करेगा, ऑब्वियसली अभी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टेस्टिंग डेटा जो हम लोग ने टेस्टिंग के लिए रखा है। सो इसमें से हम लोग यूज़ करेंगे एक्स टेस्ट को, और इसको अभी ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा पता है, ये जो मॉडल जो ट्रेन हुआ है ना, वो मॉडल अभी एक्स टेस्ट में से, मतलब ये जो हम लोग के टेस्टिंग वैल्यूज़ है ना, ये 7.9, तो इसमें से ये प्रेडिक्ट करने का ट्राई करेगा कि 7.9 साल का एक्सपीरियंस है तो कितनी सैलरी देनी चाहिए, 2.9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो कितनी सैलरी देनी चाहिए, ऐसे ये ट्राई करेगा प्रेडिक्ट करने का। ओके, तो ट्राई करेगा प्रेडिक्ट करने का, तो इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं जिसको बोलेंगे हम लोग वाइप्रेड। ठीक है, ये प्रोफेशनली हम लोग वाइप्रेड लिखते हैं इसको, ओके PRED। ठीक है, और अभी इसको एक बार कर लेते हैं प्रिंट प्रेडिक्ट करने के बाद, y अंडरस्कोर प्रेड। ओके, नाउ लेट्स रन दिस, और यहाँ पे हम लोग का ये प्रेडिक्शन मॉडल ने कर दिए। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे पता है, टेस्ट करेंगे किसके साथ कंपेयर करेंगे। अभी देखो ये हम लोग का नॉट दिस, हाँ सी हियर, अभी हम लोग का यहाँ पे होगा y टेस्ट, प्रिंट y अंडरस्कोर टेस्ट। ये जो y टेस्ट है, ये जो वाई टेस्ट है, ये रियल सैलरीज है। ठीक है, और ये जो वाई प्रेड है, ये अभी मॉडल ने प्रेडिक्ट किया, तो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया हुआ और रियल, इसमें कितने थाउजेंड्स का डिफरेंस है या फिर कितना डिफरेंस है, वो हम लोग देखेंगे। नाउ देखो यहाँ पे जो था वो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया 40,000 और रियल सैलरी था 37। इट्स क्वाइट गुड प्रेडिक्शन। और यहाँ पे देखो ये तो बहुत एग्जैक्ट प्रेडिक्शन था, लाइक 1,23,000 और मॉडल ने प्रेडिक्ट किया 1,23,000 और रियल में भी था 1,22,000। सो ये प्रेडिक्शन बहुत अच्छा था, स्टिल थोड़ा सा डिफरेंस था 65,154, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एरर आया, 57 था, ज़्यादा दे दी हम लोगों ने सैलरी। नाउ ईयर 63,282 एंड सी दिस प्रेडिक्शन गाइस, इट्स सो एक्यूरेट, लाइक 63,218% का सैलरी और अपने मॉडल ने भी एग्जैक्ट उतना ही दिया है। ठीक है, तो अभी मैं और आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि अगर समझो आप लोग ने ये सब तो कर लिया, तो भाई मॉडल की एक्यूरेसी कैसे निकाले ना, कि मॉडल कितना एक्यूरेट है, राइट ना, तो कितना प्रेडिक्ट कर रहा है। अभी समझो यहाँ पे लैक्स ऑफ वैल्यूज़ है, मिलियंस ऑफ वैल्यूज़ है, इतने सब वैल्यूज़ का आप थ्रू योर आई और मैन्युअली चेक नहीं कर सकते, तो एक्यूरेसी निकालने के लिए भी हम लोग के ऊपर पास एक पैरामीटर है, तो ये पैरामीटर है स्कोर। तो स्कोर इज़ इक्वल्स टू रिग्रेसर, ये जो हम लोग का रिग्रेसर है उसके ऊपर स्कोर फंक्शन अप्लाई करना है, और यहाँ पे दो पैरामीटर्स देने हैं। तो पैरामीटर क्या देना है, एक्स टेस्ट जिसके ऊपर हम लोग ने टेस्टिंग किया, और वाई टेस्ट। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई अगर आप एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट दोगे तो 100% ही एक्यूरेसी आएगा, क्योंकि ये तो रियल डेटा सेट के वैल्यूज़ है ना। बट यहाँ पे क्या होगा पता है, लेट मी जस्ट टेल यू, ये जो एक्स टेस्ट है ना, ये एक्स टेस्ट किसके साथ कंपेयर होगा पता है, कंपेयर्ड विद प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ ऑफ एक्स टेस्ट, जो एक्स टेस्ट ने प्रेडिक्ट किया हुआ है ना, यानी कि वाई प्रेड। ओके, इसके साथ डायरेक्टली कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, ये वाई टेस्ट जस्ट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, तो ये एक्स टेस्ट और एक्स टेस्ट ने प्रेडिक्ट किए हुए वाई टेस्ट के वैल्यूज़, मतलब कि वाई प्रेड इसके साथ ही, ये जो अल्गोरिदम है ना, ये जो डॉट स्कोर फंक्शन है, वो बैक मतलब पीछे से, मतलब इंटरनली टूवर्ड्स बैक एंड, ये ऐसे ही वर्क करता है डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे वाई प्रेड लिख दोगे ना, तो वो फिर उल्टा हो जाएगा, इट विल नॉट गोना वर्क, इट्स गोना गिव 100% एवरी टाइम। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग के यहाँ पे भी वाई टेस्ट लिखना है। एंड नाउ लेट्स जस्ट प्रिंट दिस स्कोर टू चेक कि कितनी परसेंट एक्यूरेसी है हम लोग के मॉडल की, SCORE। नाउ लेट्स जस्ट सी और सीयर 0.97, या फिर आप इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, स्कोर इनटू 100। ओके, सो लेट्स नाउ प्रिंट, या 97। सो हियर यू कैन सी इट्स 97% ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, तो हम लोग के मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है, 97%। तो ऐसे आप लोग एक्यूरेसी निकाल सकते हो, अगर आप लोग को एक्यूरेसी दिखाना है कि आपके मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, ओके गाइज, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ गया होगा एंड सब चीज़ें समझ में आई रहेगी। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स में मेंशन करो, एंड वन मोर टाइम प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप कोडिंग।